statistics period. Now here is a very good and great news for all the statistics and mathematics students about the job opening. Students, इसका notification जो है वो release हो चुका है. जो DSSB department है, मतलब कि जो Delhi Subordinate Service Selection Board है, 44 job vacancies announce करी हैं for all the students for the position of statistical assistant. Yes, so it's a very great and golden opportunity for all the students जिनका post graduation complete हो गया है. अभी हम इसका पूरा डिटेल स्टडी के बारे में बात करेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप सेक्शंस को कवर करेंगे. सो आई एम हियर टू टेल यू अबाउट ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन. सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के प्लानिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो ऑब्वियसली आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए. And it is a very good vacancy there out for you. And 17th August 2023 से आपका जो है examination form recruitment portal जो है वो open हो चुका है. And till 13 September तक आपका ये form आप fill कर सकते हैं for this great opportunity students. की अगर बात करते हैं तो we have 2 hours computer based exam होगा आपका. आवर्स का पेपर है. सेक्शन ए सेक्शन बी दो डिविजन्स हैं. सेक्शन ए की अगर बात करें तो इट इज ऑल अबाउट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जहां पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होंगे. और जो जैसे सारे एग्जाम पैटर्न्स जैसे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है बिल्कुल वही सारे क्वेश्चंस आएंगे. जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेटा हैंडलिंग, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन. तो सेक्शन है ये है. एंड ऑब्वियसली एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा. सेक्शन बी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सेक्शन बी जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा. एंड आपका जो डोमेन है दैट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे. अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट स्ट्रेटजी वी शुड फॉलो फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन. स्टूडेंट्स, आपका जो है ना, सबसे पहले यू शुड हैव अ क्लियर विजन अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जाम. देखिए, हमें बिल्कुल वी डोंट हैव टू वेस्ट अवर टाइम. ठीक है, राइट फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बिकॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और पेपर जो है उसका लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओनली वॉट यू हैव टू वर्क अपॉन इज कि हाउ टू प्रिपेयर आवर एमसीक्यूज क्वेश्चंस. हमें कैसे अपने फॉर्मुलेज को याद करना है, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को कैसे समझना है. सो अभी से ही हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी. सो वी हैव ऑल द टॉपिक्स, जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, सैम्पलिंग थ्योरी है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है. ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स से हम डील कर चुके हैं. बट राइट नाउ व्हाट इज द मेन एम स्टूडेंट्स, मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चंस पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने थ्योरी को. सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट योर प्रेपरेशन. एंड आई एम हियर टू अनाउंस दैट शॉर्टली जो है वो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बैचेस फॉर दिस रिक्रूटमेंट. तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जाम. प्रेपरेशन प्रोसेस कैसे रहेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक इन द ऑब्जेक्टिव्स मैनर. आपको मैं कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगी, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. हम सारे चैप्टर्स कवर करें ऑफ स्टैटिस्टिक्स अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस अलोंग विद द टेस्ट सीरीज. तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, दिस मस्ट बी द एम, तभी हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे. कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहेगा स्टूडेंट्स, लेवल जो है एग्जाम का वो बहुत लो है, बहुत मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, इजिली आप कर पाएंगे. ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, द प्रॉपर प्लानिंग टू डील विद द ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज क्वेश्चन. डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, बिकॉज जस्ट नाउ यू हैव कम्प्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन,
तो आपने क्या किया होगा, सब कुछ आपने डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टडी किया है, एक सब्जेक्टिव मैनर आपने फॉलो किया है, तो आपको राइट फ्रॉम हियर सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पैटर्न में मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो हाउ यू हैव टू वर्क अपॉन। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी, एक प्रॉपर स्टडी प्लान हमें फॉलो आउट करना होगा, सो दैट बिफोर टाइम शॉर्ट ट्रिक्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन में थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है ये हम सीखेंगे, ऑन टाइम हमें ये सब कैलकुलेशंस में हमें टाइम सेव करना है, तो कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है यूजिंग द शॉर्ट टर्म ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, तो बिल्कुल हम वैसे ही समझेंगे, टॉपिक वाइज को समझते चले जाएंगे, एंड एट द लास्ट हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। So, in the description, you can see my WhatsApp number. You can WhatsApp me if you are interested. And then we will soon start the batches regarding your this recruitment. So, don't waste your single time. Start preparing, start your preparation with a proper planning, with a proper strategy. And don't, हमें इसमें cram नहीं करना है, हमें एक concepts को master करते हुए, हमें इस competitive exam को crack करना है. So this is all about the today's video students. Do like, share. अगर आपके ये लिए useful information रही है तो share to the maximum students and subscribe to my channel. And thank you students for watching this video.